खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। कांग्रेस सांसद विवेक तनखा हमारे साथ। सर, क्या प्रतिक्रिया है बजट पर? एक अच्छी बजट स्पीच थी। द टेस्ट ऑफ अ पुडिंग इज इन इट्स ईटिंग। जब आप खाने को मुंह में डालते हो, नवाला मुंह में डालते हो, तब समझ आता खाना कैसे है। अगर हम स्पीचेस से चलेंगे तो 5 साल से हम बहुत अच्छी स्पीचेस बीजेपी की सुन रहे थे, कभी वो ट्रांसलेट नहीं हुई इंटू एक्शन। लोग छोड़ छोड़ के देश गए हैं, एनआरआई सब बाहर जाके अपने आप ही को बसा रहे हैं। डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी के बाद जो तमाम इंडस्ट्रीज बंद हुई हैं उनके रिवाइवल की क्या बात हो रही है? बोला था ब्लैक मनी खत्म हो जाएगा डिमोनेटाइजेशन के बाद, वैसा कुछ हुआ नहीं है। तो जो उनने वादे किए थे उन वादों पे तो वो बात कर नहीं रहे हैं। अब तो न्यू इंडिया, ओल्ड इंडिया, बेस्ट इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ये नारे ले लेके अगर गवर्नमेंट चल सकती है, और जैसे 5 साल उन्होंने नारों से गवर्नमेंट चलाई, हो सकता है अगले 5 साल भी वो नारों से गवर्नमेंट चलाना चाहते हैं। रोजगार की बात थी, रोजगार का भी कुछ विशेष नहीं, वो किसी चीज पे नहीं, खाली नारों पे चलेंगे। वन इंडिया, वो सब चीज बढ़ता चला जाएगा, आपको बढ़िया बढ़िया लुहावने नारे मिलते चले जाएंगे। आपको नारों से कहेंगे हम देश जोड़ रहे हैं, देश को मजबूत कर रहे हैं, और ये अब जैसे ऐसा समझ आता है उनकी बातों से तो 60 साल से कोई इंडिया की देखभाल कर ही नहीं रहा था। रेलवे में काफी मॉडर्नाइजेशन होने की बात है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात है। रेलवे की डिटेल्स हमको कुछ समझ इसमें दिए नहीं जाते हैं। पहले एक रेल बजट होता था, उसमें समझ आता था कौन सी नई ट्रेन स्टार्ट होने हो रही है, कहाँ कहाँ स्टॉप्स होंगे, उस सुनने के लिए लोग बैठा करते थे। खासतौर से कहा कि 50 लाख करोड़ की जरूरत है 2030 तक, इसलिए प्राइवेट लोगों को बुलाएंगे। वो तो समझ आ रहा था, बीजेपी एक राइटिस्ट पार्टी है और प्राइवेटाइजेशन उनका सबसे बड़ा इशू रहता है, और जो वो जिसपे वो बिलीव भी करती है तो उस लाइन पे वो चल रहे हैं और वो करेंगे। कितना नंबर देंगे 10 में? नहीं, मैं कोई नंबर नहीं दूंगा। मैं स्पीच को नंबर नहीं देता हूँ, मैं बजट को नंबर देता हूँ। आज तो स्पीच निकाली। तो कांग्रेस सांसद विवेक तनखा का कहना है कि ये बजट नहीं सिर्फ स्पीच थी और कोरे वादे थे, इसमें कोई ऐसी बातें नहीं थी जो जमीन पर उतर सके। कैमरामैन सुजीत सामल के साथ रविकांत, एबीपी न्यूज दिल्ली।